माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए अपनी फाइल से एक और नई डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसको बनाने के लिए मैं आपको इसका ग्राफ पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका ग्राफ है। ये 7 पैटर्न्स का एक फ्लावर बनेगा और फिर ये चेन से जुड़ता हुआ 2 लीव्स ये बनेंगे इसकी। उसके बाद फिर से ये फ्लावर बनेगा 7 पैटर्न का। इसी तरह से पूरी चेन कंप्लीट होगी। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दोनों साइड मैंने पिंक कलर लिया है, आप कंट्रास्ट कलर ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 10 डबल स्टिच। वन पिकॉट, अगेन 10 डबल स्टिच, अगेन पिकॉट और फिर से 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा फर्स्ट रिंग है। जिन्हें डबल स्टिच अच्छे से चलानी आ गई होगी वो इसको इजीली बना लेंगे, और जिन्हें अभी शटल चलाना नहीं आया है तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, शटल फॉर बिगनर्स के लिए मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि शटल कैसे चलाया जा रहा है। ये रिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम थ्रेड खींच देते हैं। ये 10 डबल स्टिच का हमारा एक रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सेकेंड रिंग बनाएंगे। सेकेंड रिंग के लिए फिर से हम बनाएंगे 10 डबल स्टिच, बिल्कुल क्लोज ले जाते हुए। ये 10 डबल स्टिच कंप्लीट हो गया है। 10 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम अपने पहले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। शटल पास कीजिए। अब फिर से हम बनाएंगे 5 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 5 डबल स्टिच, वन पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, हमारा सेकेंड रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम अपना थर्ड रिंग बनाते हैं। फिर से 10 डबल स्टिच, क्लोज ले जाते हुए। ये 10 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हम उसको सेकेंड रिंग के पिकॉट से इसको अटैच करेंगे। फिर से 5 डबल स्टिच, वन पिकॉट, जैसे हमने सेकेंड रिंग बनाया था बिल्कुल वैसे ही इसको भी कंप्लीट कीजिए। 5 डबल स्टिच, वन पिकॉट, 5 डबल स्टिच, वन पिकॉट और 10 डबल स्टिच। ये हमारा थर्ड रिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना फोर्थ रिंग कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रिंग में जहाँ पर हमने ये पिकॉट बनाया हुआ है 5-5 के बीच में, वहाँ पर हम एक बीट्स डालेंगे। तो फिर से 10 डबल स्टिच कीजिए। थर्ड रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कीजिए। अब हम बनाएंगे 5 डबल स्टिच। फाइव डबल स्टिच के बाद अब हम इसमें एक बीड्स डालेंगे। यहाँ पे मैं ब्लू कलर की लाइट ब्लू बीड्स डाल रही हूँ नीडल की हेल्प से।
इससे अपना शटल पास कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ी सी बड़ी बीड्स भी डाल सकती हैं, या मैंने छोटी छोटी डाल रखी हैं, ये देखिए इस तरह से। अब फिर से 5 डबल स्टिच करके वन पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। 10 डबल स्टिच कंप्लीट हो गए हैं, थर्ड खींच दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये फोर्थ रिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हमें फिफ्थ और सिक्स ऐसे ही बनाने हैं, सेम इसी तरीके से। ये शटल के धागे से हमने 10 डबल स्टिच कंप्लीट किया। 10 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद जो हमने सेमी सर्कल का ये पिकॉट बनाया था लास्ट वाला, इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। सेमी सर्कल के इस वाले पिकॉट से हम अपने रिंग को अटैच कर देंगे, इस थ्रेड को अटैच कर देंगे इस तरह से। अब इसमें से शटल पास कर दीजिए, एक बार फिर से देखिएगा। इस डिज़ाइन को पीछे ले जाइए। अब इसमें से शटल पास कर देंगे। ये सेमी सर्कल से हमारा अटैच हो गया। इसको अटैच करने के बाद अब हम फिर से बनाएंगे टेन डबल स्टिच पिकॉट, अगेन 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। जो पिकॉट आपस में जोड़ना है उसको हम छोटे बना रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया, थ्रेड को खींच दीजिए। थ्रेड थोड़ा आराम से खींचेगा क्योंकि हमने अपने सेमी सर्कल वाली रिंग से इसको अटैच किया है, तो इसलिए थोड़ा आराम से। 5 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद हमने जो सेमी सर्कल पे ये रिंग बनाई थी, ये लीफ जो बनाई थी, उसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फिर 5 डबल स्टिच, 1 पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके अपना ये रिंग कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी थर्ड रिंग बनाएंगे। थर्ड रिंग के लिए फिर से 10 डबल स्टिच, 10 डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद अपने सेकेंड रिंग के पिकॉट से इसको अटैच करेंगे। फाइव डबल स्टिच, फाइव डबल स्टिच के बाद पहले वाला जो प्लान हमने बनाया था उसके पहले वाले लीफ से, इस वाले सर्कल से हम इसको अटैच करेंगे। सेकेंड वाले की थर्ड लीफ और पहले उसके पिछले वाले की फर्स्ट रिंग से हम अटैच करेंगे। फिर से 5 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच होने के बाद 1 पिकॉट और 10 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा थर्ड रिंग कंप्लीट हो गया। अब
थर्ड रिंग कंप्लीट होने के बाद बाकी की थ्री लीफ्स जो और बनाएंगे वो सेम इस तरह के बनाएंगे जिसमें हमने पहले बीड्स डाली थी। तो आगे की तीन लीफ्स इसी तरह बनाइए जिसमें हमने तीन ये बीड्स डाली हुई हैं। तो फिर से 10 डबल स्टिच, अब हम अपनी सेवन्थ रिंग बनाएंगे। सेवन्थ रिंग के लिए हम फिर से 10 डबल स्टिच, टेन डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद सिक्स रिंग के पिकॉट से जोड़ के आगे फाइव डबल स्टिच वन पिकॉट, फाइव डबल स्टिच वन पिकॉट और टेन डबल स्टिच करके ये रिंग भी कंप्लीट करेंगे। इसमें बीड्स नहीं डालनी है सेवन्थ वाले में। फाइव डबल स्टिच वन पिकॉट, इस तरह से हमारा सेवन्थ रिंग कंप्लीट होकर ये पूरा रिंग तैयार हो गया। अब हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद गोले वाले धागे को लपेटते हुए शटल से बनाएंगे एट डबल स्टिच। इसको खींच के बिल्कुल क्लोज ले जाएंगे। ये एट डबल स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हम गोले के धागे को खोलकर शटल के धागे से बनाएंगे टेन डबल स्टिच। एक रिंग बनाना है हमको। टेन डबल स्टिच कंप्लीट होने के बाद जो हमने सेमी सर्कल बनाया था, सेमी सर्कल के सेकेंड वाले पिकॉट से, पहला पिकॉट हमने इस वाले ये देखिए इस वाली लीफ से हमने जोड़ दिया यहाँ पर फर्स्ट रिंग से। उसके बाद जो सेकेंड वाला हमारा पिकॉट था उसके साथ हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद फिर से फाइव डबल स्टिच वन पिकॉट, और टेन डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। फाइव डबल स्टिच वन पिकॉट, अगेन टेन डबल स्टिच करके ये रिंग कम्प्लीट कीजिए। ये रिंग कम्प्लीट होने के बाद अपने डिज़ाइन को राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लिप कीजिए। अब सेम इसी तरह का एक रिंग हमें इस साइड भी बनाना है। गोले वाले धागे को पीछे कर दीजिए। और शटल से इसी साइड पे एक रिंग और लगा के बनाइए। फिर से टेन डबल स्टिच बिल्कुल क्लोज ले जाते हुए। ये टेन डबल स्टिच कम्प्लीट हो गया। कम्प्लीट होने के बाद जो हमारा सेवन्थ वाला इस फ्लावर का जो सेवन्थ वाला पेटल था, पेटल्स के साथ में हम इसको अटैच कर देते हैं। फिर से फाइव डबल स्टिच वन पिकॉट और टेन डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। रिंग बन गए। ये दो रिंग बनने के बाद फिर से हम अपने गोले के धागे को आगे लेकर आएंगे, फिंगर पर लपेटते हुए
शटल की हेल्प से बनाएंगे 8 डबल स्टिच। बिल्कुल क्लोज ले जाके 8 डबल स्टिच बनाना है हमें, 8 डबल स्टिच, 1 पिकॉट, 1 बार चेक कर लेते हैं, 8 डबल स्टिच, 2 रिंग बनाए, 8 डबल स्टिच पिकॉट, 8 डबल स्टिच पिकॉट, 4 डबल स्टिच पिकॉट और 4 डबल स्टिच। इस तरह से ये हमने अपनी पूरी सेमी सर्कल एक रिंग नीचे की बना दी। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद अब फिर से हम पहली अपनी रिंग बनाएंगे फ्लावर की, ये वाली। इसको बना के हम अपने पलट कर इस वाले सेमी सर्कल के पहले वाले पिकॉट से, ये जो हमने ये रिंग बनाया है इससे अटैच करते हुए पहली पेटल्स बनाएंगे, जो कि हमने ये वाली बनाई थी। उसके बाद सेकेंड पेटल्स बनाएंगे, वो हम अपने इस वाले रिंग से जोड़ेंगे। थर्ड वाली पेटल हम हमारे सेवेंथ वाले रिंग, फ्लावर के जो सेवेंथ वाला रिंग था उससे जोड़कर अपनी ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैंने एक ही कलर यूज़ किया है, आप इसे डबल कलर से बनाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन समझ में आई होगी, और अगर आपको ये पसंद भी आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।